नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनु। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अपनी किलो से जुड़ी हुई विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं राजस्थान की एक फिर से बेहतरीन किले के सफर पर। और आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित भठनेर के प्रसिद्ध किले के इतिहास के बारे में। तो आपको बता दें, ये किला भारत के सबसे प्राचीन किलों में से शुमार एक किला है, जिसने सदियों तक मध्य एशिया की तरफ से होने वाले विदेशी आक्रमणों को रोकने के लिए एक प्रहरी, एक सुरक्षा कवच की भूमिका का निर्वहन किया, जिसने महमूद गजनवी, तैमूर और उसके जैसे ना जाने कितने ही विदेशी आक्रांताओं के दंश को झेला, जिसे अनेकों बार लूटा और बर्बाद किया गया। लेकिन उसके बावजूद ना तो इसका इतिहास बदला, ना तो इसका वर्चस्व बदला और ना ही इसका महत्व घटा। भठनेर दुर्ग राजस्थान के उत्तर में घग्घर नदी, जिसे प्राचीन काल की सरस्वती नदी भी कहा जाता है, के बाएं तट पर तथा बीकानेर से 244 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित किला है। इसका निर्माण भाटी राजवंश के शासक भूपत ने 295 ईस्वी में करवाया था और इस दुर्ग का शिल्पी कैकेया था। भाटी राजवंश द्वारा निर्मित होने के कारण इस दुर्ग का नाम भठनेर रखा गया, जो पक्की ईंटों से और चूने से निर्मित होने के कारण उस समय का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता था। तैमूर ने भठनेर में रहते हुए अपने जीवनी तुजुके तैमूरी में इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि मैंने अपने जीवन में भठनेर के समान मजबूत किला कहीं नहीं देखा। इस किले में एक भूमिगत सुरंग भी बनाई गई थी, जो भठनेर से भठिंडा और सिरसा के किलों तक जाया करती थी। 12वीं शताब्दी में इस दुर्ग पर एक बार पुनः आक्रमण निर्माण का दंश झेलता हुआ पुनर्निर्माण महाराबल सालिवाहन के वंशज अभय सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया। अगर बात करें भठनेर पर होने वाले आक्रमणों की, तो भठनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए 1001 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। 13वीं शताब्दी में यह दुर्ग गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन बहाउद्दीन के अधीन चला गया और बलबन का चचेरा भाई शेर खां यहाँ का हाकिम था, जिसने यहाँ रहते हुए मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। ऐसा कहा जाता है कि शेर खान की मृत्यु यहीं पर हुई थी तथा उसकी कब्र भी इसी दुर्ग में बनाई गई थी। इसके अलावा भी मंगोलों और तैमूरों ने भठनेर दुर्ग को खूब लूटा पीटा और हजारों लोगों को मौत के घाट इस किले में उतारा गया। तैमूर लंग इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी तथा एक क्रूर और महत्वाकांक्षी प्रशासक माना जाता था। 1393 ईस्वी की बात है, तैमूर ने बगदाद और मेसोपोटामिया पर अधिकार करने के बाद भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया था। उसके लड़ाके सैनिक भारत जैसे दूरस्थ देश में जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन तैमूर ने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत में प्रचलित मूर्ति पूजा को ध्वस्त करना अपना परम लक्ष्य बनाकर उन्हें मना लिया। और अप्रैल 1398 में तैमूर एक विशाल सेना लेकर के सितंबर 1998 तक सिंधु, झेलम और रावी नदियों को पार करते हुए 1398 में तुलुम्बा पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वो आगे बढ़ा और भठनेर पर भी उसने कब्जा कर लिया, दुर्ग का डेरा डाला और धोखे से दुर्ग पर आक्रमण करके पहले थोड़ी बहुत लूट के बाद भठनेर से चला गया। लेकिन जब भठनेर का शासक राव दुलचंद आस्तत हो गया कि तैमूर चला गया, तो तैमूर वापिस आकर के धोखे से भठनेर पर दोबारा आक्रमण करके इस किले को अपने कब्जे में ले लेता है। तैमूर अत्यधिक लूटपाट करता है, हजारों लोगों को क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने भठनेर के तमाम लोगों को तलवार की धार से मौत के घाट उतारा, कुछ ही समय में लगभग 10,000 लोगों के सर काट दिए गए। इस प्रकार इस्लाम की तलवार ने काफिलों के रक्त से स्नान किया। दुर्ग के हिंदू मुस्लिम औरतों ने भी अपनी असमत के लिए स्वयं को जौहर की आग में झोंक दिया।
इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज चौहान, मुगल शासक अकबर, मुगल शासक जहांगीर और राठौर शासकों ने भी भटनेर पर शासन किया। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत एकमात्र महिला शासक रजविया सुल्तान को भटनेर दुर्ग में कुछ समय के लिए रखा गया था और इस तरह भटनेर पर शासकों ने शासन किया और अंतिम बार बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में भटनेर पर कब्जा कर लिया। महाराजा सूरत सिंह ने जिस दिन इस किले पर अधिकार किया उस दिन मंगलवार यानी भगवान हनुमान का दिन था। उसी दिन से इस जगह को भटनेर के बजाय हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाने लगा और इसी उपलक्ष्य में भटनेर दुर्ग के शासक ने हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। भटनेर पर इतने अधिक विदेशी आक्रमण होने के बावजूद भी यह सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक महत्वपूर्ण किला है और इसका महत्वपूर्ण कारण था दिल्ली मुल्तान मार्ग पर इसका स्थित होना। मध्य एशिया से जो भी आक्रांता दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आते उन्हें भटनेर के किले का सामना करना पड़ता था और यही कारण था कि सबसे अधिक बार आक्रांताओं के आक्रमणों को इस किले ने झेला। वर्तमान में यह किला प्रशासन और पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण जर्जर अवस्था में है और शायद किसी को इस प्राचीन धरोहर की जरूरत महसूस हो रही जबकि यह देश की सबसे बड़ी हजारों वर्षों के इतिहास को सजाए हुए ऐतिहासिक इमारत है और 1700 वर्षों से भी अधिक पुरानी ये इमारत इतनी सारी आपदाओं इतने सारे आक्रमणों को सहते हुए भी आज खड़ी है। इसका एक कारण है तात्कालीन शासकों द्वारा पुनर्निर्माण करना। यदि ऐसा ना हुआ होता तो शायद यह कब का इतिहास कब का खंडहर में तब्दील हो चुकी होगी। ये दुर्ग इतनी जर्जर अवस्था में है कि दीवारें कभी भी टूट कर नीचे आ सकती हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है, लेकिन इस धरोहर को सलामत रखना है तो जल्द से जल्द इसकी अवस्था को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे ही किसी दूसरे महत्वपूर्ण किले ऐतिहासिक धरोहर की बात अपने किलों से जुड़े ही विशेष श्रृंखला के अगले अंक में हम बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।